आराम से, हम देख रहे हैं ना आपको, और आप भी हमको देख पा रहे हैं ना, तो काहे ना उछल कूद हंसते तो नैन से नैन मिल गया और क्या चाहिए। तेजस्वी के पहले और तेजस्वी के हटने के बाद लगातार पेपर लीक होता रहा। पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ हटने के बाद? कौन सफर करता है? पढ़ा लिखा लोग जहां भी बहाली निकलती है, ग्रेजुएट्स हो, आज चाहिए उन लोगों को काम चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। क्या फायदा अगर नौकरी ना मिले, रोजगार ना मिले? लोगों को आर्थिक न्याय की जरूरत है, लेकिन ये सरकार आप लोगों का वोट लेकर के केवल राज करता रहा और आप लोगों के हितों के बारे में, आप लोगों के बारे में नहीं सोचा। लोग गाली देते रहे तेजस्वी को, लालू जी को, लेकिन तेजस्वी ने नौकरी दिया और सबको दिया, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अति पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे हमारे माइनॉरिटी के भाई हो, अल्पसंख्यक भाई, बताओ 5 लाख में कौन ऐसा लोग है जिसको नौकरी नहीं मिला? कोई हम लोगों ने पक्षपात किसी के साथ नहीं किया, जो मेरिट पे था उन सबको नौकरी मिली। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, बकवास करना नहीं चाहते, लेकिन आज की स्थिति देख लीजिए, पूरे बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। मुजफ्फरपुर तो सबसे नंबर आगे है, पटना मुजफ्फरपुर का कोई मुकाबला है? यहाँ के अपराधी जो है दिवाली मनाते हैं और कानून व्यवस्था का दिवाला पीटते हैं, ये हकीकत है। कौन सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। अपराध बढ़ रहा, ब्लॉक थाना चले जाइए आप देखिएगा पूरा तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा। लोग बिजली के बिल से परेशान है, गांव देहात चले जाइए, ये प्रीपेड मीटर नहीं चीटर मीटर है, लोग परेशान है ये प्रीपेड मीटर से, स्मार्ट मीटर लोग बोलता है, ये चीटर मीटर हम लोग बोलते हैं। लेकिन आप देखिए जितना सर्वे अर्वे ये सब करा रहे, आपस में लोग लड़ रहे हैं, परेशान है। सरकार को इसलिए चुना गया था कि आप लोगों को परेशान कर। एगो मोदी जी कम थे क्या जो नोटबंदी करा के कतार में लगवा दिए, जीएसटी लगवा दिए? नोटबंदी का क्या फायदा हुआ बता दो तो? एक फायदा कोई बता दे हुआ हो तो? कोई फायदा नहीं। वैसे ही भ्रष्टाचार, वैसे ही काला धन, और ये लोग केवल जनता को परेशान करने का काम किए। लगातार शहरीली जराब से लोग मारे जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर में भी घटनाएं हुई है, छपड़ा में हुई, गोपालगंज सिवान, हर जगह शराब उपलब्ध है, लेकिन नीतीश जी कहते हैं कि शराबबंदी जो है लागू है। कितना लोग परेशान है, हर जगह से परेशान। ये लोग पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात नहीं करते, ये लोग केवल नफरत फैलाने की बात करते, आपस में लड़ाने की बात करते, लोगों को तंग करने वाला काम करते हैं। तो हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, हम लोग सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। लेकिन यहां बैठा हर एक व्यक्ति अगर परिवर्तन चाहता है, केवल आज की मीटिंग में ही नहीं, अगर सही से आप लोग अगर परिवर्तन चाहते हैं तो मेहनत करने की जरूरत है। हर एक एक व्यक्ति को इस लड़ाई में शामिल होने की जरूरत है। जब तक हर एक व्यक्ति जो है चुनाव में नहीं लगेगा, तब तक हम लोग सफल नहीं हो सकते। इसलिए तेजस्वी आप लोगों के बीच आया है, आप लोगों से अपील कर दें कि एक मौका मेरे कहने पर गोपी किशन जी को जो है आप लोग जिताने का काम कीजिए।